Dear students, I welcome you in the course of Leadership, Emotional Intelligence and the CN Making. We are going to talk about Be Innovative, Act with Creativity and the Trust Market, and this is module number 76. When we are talking about the trust, remember that a leader's trust to maintain karna, because trust is the foremost important thing in a relationship of leaders and followers. Therefore, वेन वी हैव टू क्रिएट एंड कल्टिवेट द सोशल कैपिटल रिमेंबर द ट्रस्ट इज द की और ट्रस्ट के बगैर हमारे लिए डिफिकल्ट होगा प्रोग्रेस करना और अपनी क्रेडिबिलिटी को मेनटेन रखना द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दट लीडर्स क्रेडिबिलिटी एंड रेपुटेशन इज नीडेड ताकि फॉलोअर्स उसको जान सकें उसको पहचान सकें कि वो उनको मंजिल मकसूद पर पहुंचाने के लिए हेल्पफुल है द थर्ड थिंग इज

ट हेल्प अदर्स डिवेलप एंड ग्रो उनके लिए सहारा बने उनके लिए आसानियां क्रिएट करें और उनके लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें जिस एनवायरमेंट में वो डिवेलप और प्रोग्रेस वो कर सकें सो यू हैव टू क्रिएट अ डिफरेंस बियॉन्ड वट यू कैन सी आपको अपनी कैपेबिलिटीज को फुली यूटिलाइज करना है आपको अपने स्ट्रेटेजिक फिट और स्ट्रेटेजिक स्ट्रेच को वो वहां पर लेकर आना है बिकॉज उस फिट एंड स्ट्रेच के बगैर आपके लिए डिफिकल्ट है कि आप मामलात को एहसासात को महसूसात को वो सही तौर लेकर चल सकोगे सो यू हैव टू इंस्पायर अदर्स यू हैव टू इंस्पायर अदर्स विद योर ओन पैशन आपको खुद इंथ्यूजिएस्टिक होना है आपको खुद पैशनफुल होना है ताकि दूसरे आपको देखकर मोटिवेशन हासिल वो कर सकें द सेकेंड थिंग इज डू वट यू लव एंड लव वट यू डू बिकॉज आपके एसोसिएशन आपके काम के साथ वो बहुत जरूरी है एंड इफ यू आर नॉट देयर थ योर होल डेडिकेशन एन इन्वॉल्वमेंट एन एंगेजमेंट उस वक्त तक दूसरे भी उस चीज को अडॉप्ट और पिक वो नहीं कर सकेंगे द थर्ड थिंग इज दट बिल्ड इंटीग्रिटी एंड डिजायर टू कॉन्ट्रीब्यूट सो ये चीज बहुत अहम है एक लीडर के लिए कि वो कंट्रीब्यूट कर सके टूवर्ड्स बेटरमेंट टूवर्ड्स कंस्ट्रक्टिव आउटकम्स एंड द फोर्थ थिंग इज दट एक्ट विथ पर्पज एंडॉज वो पर्पज एंड दूसरों के लिए क्लैरिटी वो क्रिएट करता है और उस क्लैरिटी के होने से हम बेहतर तौर अपनी मंजिल को हासिल वो कर सकते हैं सो फॉर द पर्पज वी हैव टू अटेम्प्ट अनदर एक्सरसाइज विच इज एक्सरसाइज नंबर नाउ वी आर लुकिंग एट एक्सरसाइज नंबर नाइनटीन एंड दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज इज टॉकिंग अबाउट अवर नेटवर्क द नेटवर्क विच वी हैव इन अवर सो योर एक्सपेरिमेंट्स हैव द पोटेंशियल टू एनरिच योर नेटवर्क सो so, उस पोटेंशियल टू एंड रिच द नेटवर्क को हमने पहचानना है सो योर नेटवर्क एंड द सपोर्ट दैट्स इन दम बिकॉज उनकी सपोर्ट के बगैर आपके लिए डिफिकल्ट होगा अपनी मंजिल को अचीव करना दिस इन टर्न विल स्ट्रेंथन योर मोटिवेशन अब यह हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट की एक्सप्रेशन है मोटिवेशन का फॉर परसुइंग योर एक्सपेरिमेंट सो अपनी उस मोटिवेशन को बरकरार रखने की जरूरत है बिकॉज उसके बगैर द फॉलोअर्स वुड नॉट बी एबल टू एनहांस देयर ओन मोटिवेशन

फॉर म्यूचुअल गेन अब हमें इस बात की भी कोशिश करनी है कि हम वर्क कम्युनिटी सेल्फ एंड होम इन सब को एक बैलेंस में लेकर आए एंड दे शुड ऑल्सो बी नोइंग वट आर योर अदर डोमेन्स एन अदर परिमेंट फिल स्ट्रक्चुर वर्ल्ड स्मॉलर सो आप उस जिक्सो पजल में उन तमाम डेफिशियो तमाम गैप्स को वो कैसे फिल कर सकते हो सो so इन तमाम एस्पेक्ट्स में हमें यह देखना होगा अपने एक्सपेरिमेंट्स के आउटकम में हमें यह देखना होगा कि क्या हम अपने प्लान उन दिन में एंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन इन एक्सरसाइज नंबर नाइनटीन इज टॉकिंग अबाउट हाउ माइट एक्सपेरिमेंट गिव यू अपॉर्चुनिटीज टू कंट्रीब्यूट एंड फील ग्रेटर सेंस ऑफ बिलोंगिंग दूसरों के साथ जो ताल्लुक और मामला है उसको आप मजीद बेहतर कैसे बना सकते हो टू समथिंग बियॉन्ड योर सर्कल ऑफ वर्क फैमिली एंड फ्रेंड तो हमें एक यूनिवर्सल प्रस्पेक्टिव में चीजों को देखना है यूनिवर्सल प्रस्पेक्टिव में चीजों को सोचना है ताकि हम होलिस्टिकली अपने मकसद को बिगर परस्पेक्टिव में स्टैब्लिश वो कर सकें सो डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर कि जब हम अपने स्टेक होल्डर्स की बात कर रहे हैं और हमारा मुसलसल फोकस उन स्टेक होल्डर्स की बेटरमेंट के ऊपर है और यह टू वे प्रोसेस है हमें हमें अब यह देखना है कि इस टू वे प्रोसेस को मजीद बेहतर वो कैसे किया जा सकता है कंडीशन रेजिस्टेंसेस ये सब आएंगी लेकिन आपको परसिस्टेंट रहना है नाउ रिमेंबर वन थिंग कि गेटिंग स्ट्रेंथ टू कीप मूविंग योर आइडियाज फॉरवर्ड उस मकसद के लिए द फर्स्ट थिंग इज के आप अपने फियर्स गिल्ट और इग्नोरेंस को वो ओवरकम कर सको बिकॉज जब तक हमारी जात में फियर गिल्ट और इग्नोरेंस होगा तब तक हमारा मामला दूसरों के साथ सही स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा और इस चीज को हम ओवरकम खुद से कर सकते हैं सिर्फ अपनी एफर्ट से नंबर टू अलाइन योर एक्शन एंड वैल्यूज कि आपके कहने और करने में फर्क ना हो आपका वैल्यू सिस्टम शुड बी इन अलाइनमेंट विद व्हाट यू आर ट्राइंग टू कम अप विद इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप विद योर स्टेक होल्डर्स देन बिल्ड ट्रस्ट एंड सपोर्ट और याद रखें कि यह ट्रस्ट एंड सपोर्ट एक कंटिन्यूस रिपेयर फिनोमिना का नाम है ऐसा नहीं होगा कि आपने एक मरतबा ट्रस्ट कायम कर लिया और वह हमेशा के लिए रहेगा ट्रस्ट एंड सपोर्ट इट इट इज ए कॉन्टिन्यूस रिपेयर प्रोसेस इट रिक्वायर्स इंप्रूवमेंट देन ऑल्सो रिमेंबरप एन इंटरकोनेक्टेड एंड इंटर डिपेंडेंट रिलेशनशिप जिसमें के आप दूसरों के लिए फायदा मंद हो और दूसरे आपके लिए फायदा मंद हो तो इट इज ए म्यूचुअल गेन एंड ए म्यूचुअल एक्सचेंज लास्ट पट द लीस पॉइंट इज इन योर लाइफ न टू एडजस्ट नेवर इन योर लाइफ डू अ अंप्रोमाइज माई डियर स्टूडेंट्स अगर हमें सारी बात को कंक्लूड करें तो लाइफ में हमें कई तरह की एडजस्टमेंट्स वो करनी होंगी और उन एडजस्टमेंट्स के लिए जरूरी है कि हम अपने प्रस्पेक्टिव को दूसरों को बयान कर पाएं और दूसरों के नुक़ नजर को वो समझने की कोशिश करें सो so, इस म्यूचुअल गेंद से इस म्यूचुअल एनर्जी से हम लोग अपने मंजिल को अचीव बेहतर तौर पर कर सकेंगे थैंक यू